हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं पटन देवी का, जो पटना सिटी में स्थित है। शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। माता की तीनों स्वरूप वाली प्रतिमाएं वहां विराजित है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरे साथ, एक बार बोल दीजिएगा जय माँ सेरा वाली। तो आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं। कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोग को। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटन देवी मंदिर शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। देवी भागवत और तंत्र चूड़ामणि के अनुसार सती की दाहिनी जांघ यहीं गिरी थी। नवरात्र के दौरान यहां काफी भीड़ उमड़ती है। सती के 51 शक्ति पीठों में प्रमुख इस उपासना स्थल में माता की तीन स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित हैं। पटन देवी भी दो हैं, छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी। दोनों के अलग अलग मंदिर हैं। पटना की नगर रक्षिका भागवती पटनेश्वरी है, जो छोटी पटन देवी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ मंदिर परिसर में माँ महाकाली, माँ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की स्वर्ण भूषणों छत्र व चंबर के साथ विद्यमान है। लोग प्रत्येक मांगलिक कार्य के बाद यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालुओं भी आते हैं, उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसे पटन देवी खंदा भी कहा जाता है। यहीं से निकलकर देवी की तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया था। वैसे तो यहाँ माँ के भक्तों की प्रतिदिन भारी भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रा के प्रारंभ होते ही इस मंदिर के भक्तों का तांता लग जाता है, मतलब भीड़, बहुत सारी भीड़ लग जाती है। बड़ी पटन देवी मंदिर भी शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि महादेव के तांडव के दौरान सती के शरीर के 51 खंड हुए। ये अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित की गई। यहाँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। गुलजारबाग इलाके में स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर परिसर में काले पत्थर की बनी हुई है माँ काली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भैरव की प्रतिमा भी है। बुजुर्गों का कहना है कि अशोक सम्राट के शासनकाल में यह मंदिर काफ़ी छोटा था। इस मंदिर की मूर्तियां सतयुग की बताई जाती है। आप लोग भी जय माँ सेरा वाली बोल दीजिएगा, आप लोग का भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। दुआ करते हैं। मंदिर परिसर में भी योनि कुंड भी है, जिसके विषय में मान्यता है कि इसमें डाली जाने वाली हवन सामग्री भूख गर्भ में चली जाती है। देवी को प्रतिदिन दिन में कच्ची और रात में पक्की भोज सामग्री का भोग लगता है। यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है बलि की परंपरा आज भी विद्यमान है। एक बार दिल से बोलिएगा जय माँ सेरावाली। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में करके बताइएगा। और पटन देवी का